दोस्तों, जैसा कि आजकल स्कैम इधर देखो, स्कैम ही स्कैम हो रहा है, कभी गोल्ड के नाम पे, कभी ज़्यादा इंटरेस्ट देने के नाम पे। अभी मीरा रोड में हाल ही में गोल्ड एक्सप्रेस करके एक स्कैम हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया था। अभी सुनने में आ रहा है कि गुडविन ज्वेलर्स करके है, जो कि करीब करीब जगह इसकी ब्रांचेज बंद हो गई है और ये मीरा रोड की ब्रांच है, यहाँ पर लोग जमा हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि गुडविन ज्वेलर्स पूरे स्कैम में करीबन 15 से 20 करोड़ का जो है ये स्कैम है, और यहाँ कुछ मीरा रोड में करीबन 2 करोड़ का स्कैम है। आज लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, और दोस्तों कहीं ना कहीं इन सारे फ्रॉड स्कीम में आम लोग ही परेशान होते हैं, जो आम जनता है जिनको कुछ पता नहीं होता है। ऐसी ऐसी कंपनियां आते हैं हायर इंटरेस्ट के नाम पे, कुछ अलग अलग लालच दे करके लोगों को फंसाते हैं, और इसमें कहीं कहीं आम जनता, आम लोग फंस जाते हैं। फिर शुरू होता है कंप्लेन का दौर, पुलिस स्टेशन के चक्कर का दौर, इस तरह से लोग परेशान होते हैं। तो इसी तरह से आज ये एक स्कैम हुआ है गुडविन ज्वेलर्स में। मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल में ये स्कैम क्या था। My name is Sybil Montero and I'm from Mira Road resident. Okay. And for past 10 years I'm with Goodwin Jewelers. This came like a shock to me. I couldn't believe in my entire, I'm 60 years old and my savings are all in this Goodwin Jewelers, and now they are absconding, and I want someone to take a strong action. We are the poor people who cannot take any action, but the higher authorities can help us and can do something for us, and we, with that faith and with that hope, I am waiting to get our money back soundly. Thank you. How much amount you? I have invested 6,15,000. This month I came to know there is something, and my maturity date was this coming May of 2020. Oh. So I said I'll take it on the maturity date, but unfortunately this very month these tragedies took place, and I'm very sad. Actually, I'm working for Dr. Trago's Lifeline Hospital as a PRO, and my entire hospital, right from the Mauji to the doctor, an entire hospital has invested here in small amounts. And now they are also shaken up and they are crying that their money, hard-earned money, is gone. Hope so money will return. Yeah. Thank you. मैम, ये आपका नाम क्या है और ये पूरा मामला क्या है, आप कुछ बता पाएंगी? मेरा नाम है मिसेस साक्षी सुरेंद्र सरफर है, और ये एक्चुअली मैंने मेहनत का मेरा पैसा इन्वेस्ट किया था 1 लाख करीबन, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा करके। उनको मैं बोला भी था इन्वेस्ट करते वक्त, देखिए भाई मेरा मेहनत का पैसा है, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मिलेगा ना मुझे। तो उन्होंने मुझे 4-5 FDs दिखाया, 2 लाख, 3 लाख का, 4 लाख का दिखाया, और बोला मैम भरोसा रख के आप इन्वेस्ट करो, हो जाएगा आपका कुछ, डोंट वरी, आपका डबल मिलेगा, मतलब जो भी रेट है इंटरेस्ट रेट उस हिसाब से मिलेगा आपको पैसा। ये कब आपने इन्वेस्ट किया था और इन्होंने क्या प्रॉमिस किया था आपको? मैंने इन्वेस्ट किया था एक्चुअली लास्ट मंथ ही इन्वेस्ट किया था, और उससे पहले मैं ना हर महीने का 3,000 भरती हूँ, वो अलग से स्कीम है, और उसके अलावा लास्ट मंथ मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया था। 3,000 रुपये जो आप भरती हैं हर महीने, वो क्या स्कीम है और कितने दिन में देने का वादा किया था उन्होंने? 2 साल का है वो, 2 साल का, हर महीने का 3,000 उसके हिसाब से हो जाता है 72,000। तो उन्होंने बोला था कि 9,000 आपको एक्स्ट्रा दूंगा, यानी कि 2 साल अगर आप 3,000 रुपये महीने जमा करती हैं तो 2 साल में वो 72,000 एक्चुअल अमाउंट होता है, उस पर प्लस 9,000 देंगे, ये प्रॉब्लम। क्या वो पैसा मिला? वो भी नहीं मिला है। और ये जो 1 लाख रुपये आपने जमा किया, ये 50,000 रुपये जो आपने जमा किया, उस पर उन्होंने कितना देने का प्रॉमिस किया? उन्होंने बोला कि 16% देंगे 1 ईयर में, 16% 16% 16% देंगे। वो भी नहीं मिला? वो भी नहीं मिला है, वो एक्चुअली नेक्स्ट ईयर खत्म होने वाला था, मैच्योर होने वाला था, 16 मंथ के हिसाब से 8,000 होता है। क्या आपने इस बारे में कंप्लेन की है यहाँ के पुलिस? कंप्लेन किया है, नया नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया है, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, उसके अलावा वहाँ पे और भी 200 एप्लीकेशन थे, मतलब मेरी तरह और भी थे।
तो तकरीबन 200 एप्लीकेशंस आपने वहाँ पे देखे आपकी तरह थे, और ये पूरा कहीं ना कहीं एक पूरा स्कैम हो गया। स्कैम है शायद, क्या मतलब मेरा 1 लाख है, बाकी जन का 4 लाख है, किसी का 60 लाख है, 7 लाख है, वैसे भी इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट पूरे भरोसे के साथ किया था एक्चुअली, जहाँ पे उतना इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है इसीलिए मतलब इन्वेस्ट किया था। मैम, उन इन्वेस्टर को क्या आप मैसेज दोगे इस हादसे के बाद जो इस तरह के स्कीम में आकर के पैसा जमा करते हैं? मैं तो यही सजेशन दूंगी, चाहे आपको बैंक में कम रेट मिलेगा तो भी आप वहाँ ही इन्वेस्ट करो, ज्वेलर्स में है जो वहाँ पे इन्वेस्ट मत करो, भले कितना भी आपको इंटरेस्ट रेट दे मतलब दे दे वो लोग, 20% भी दे दो तो वहाँ पर मत इन्वेस्ट करो, कहीं ना कहीं वहाँ पे पैसा इनसिक्योर पैसा है आपका। थैंक यू सो मच मैम।